बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इट्स AMS हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू मीडियम साइंस क्लास 3 का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर देने से पहले आपको एक अहम बात बताती चलूं कि जैसे ही आप इस वीडियो को ओपन करें, सबसे पहले आप बेल आइकॉन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन प्लानर के अकॉर्डिंग हमारे पास उर्दू मीडियम साइंस क्लास 3 का सफ़ा नंबर 9 और 10 है। यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है पौधे और उनकी इकसाम। जैसा कि हमने इस पूरे चैप्टर में पौधों और उसकी इकसाम के बारे में पढ़ा, आज हमारे पास यूनिट नंबर 3 की मशक है, जिसमें हम मरूज़ी पढ़ेंगे। और हमारे पास मरूज़ी का सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास बग़ैर फूल के पौधों और काई, बग़ैर फूल के पौधे यानी जिन पर फूल नहीं उगते, और काई ये जो है सब्ज़ा होता है, बिल्कुल मतलब जिसे हम फफूंदी भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर ये नमदार जगहें होती है, नमी वाली जगहें, जैसे बरसात के मौसम में जो है वो जगह जगह पर पानी खड़ा हो जाता है, तो हमें वहाँ पर सब्ज़ा नज़र आता है, ग्रीनरी सी नज़र आती है, वो जम जाता है, तो वो जो है उस वो काई होती है। तो बग़ैर फूल के पौधों और काई सांस नहीं लेते, बग़ैर फूल के पौधों और काई के बीज नहीं होते, बग़ैर फूल के पौधों और काई खाना नहीं खाते। इसका जवाब है कि बीज नहीं होते, बग़ैर फूल के पौधों और काई के बीज नहीं होते। नंबर 2 है, बीजदार पौधा है, इनके इनमें से कौन सा पौधा है जो बीज से उगाया जाता है? यास्मीन बीजदार पौधा है, सूरजमुखी बीजदार पौधा है, या यास्मीन और सूरजमुखी बीजदार पौधे हैं? तो जवाब है यास्मीन और सूरजमुखी, इनके ये दोनों बीजों से उगाए जाते हैं, बीज बोकर फिर इनको उगाया जाता है, तो यास्मीन और सूरजमुखी बीजदार पौधे हैं। नंबर 3 पर हमारे पास है, क्लोरोफिल सिर्फ डैश में होता है। सबसे पहले ये बात होती है, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल स्टूडेंट्स एक सब्ज़ रंग का मादा होता है जो पौधों में मौजूद होता है, और इसकी हेल्प से पौधे जो है अपनी खुराक तैयार करते हैं। अगर ये पौधों में मौजूद ना हो तो वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकेंगे। क्लोरोफिल सिर्फ मिट्टी में होता है, क्लोरोफिल सिर्फ जानवरों में होता है, क्लोरोफिल सिर्फ पौधों में होता है। तो दुरुस्त जवाब है पौधों, क्लोरोफिल सिर्फ पौधों में होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, हाँ या नहीं पर टिक का निशान लगाएं। जो दुरुस्त ऑप्शन होगी उसके सामने हम हाँ पे टिक लगाएंगे, और जो गलत ऑप्शन होगी उसमें हम नहीं वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे। नंबर 1, जिन पौधों के बीज नहीं होते उनमें जरदाने होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो बग़ैर बीज के पौधे होते हैं, जो बीजदार नहीं होते उनमें जरदाने होते हैं, तो ये दुरुस्त है। नंबर 2, गुलाब एक बीजदार पौधा है। गलत, गुलाब जो है उसको बीज से नहीं उगाया जाता। नंबर 3, क्लोरोफिल गैर सब्ज़ पौधों में मौजूद नहीं होता। क्लोरोफिल गैर सब्ज़ पौधों में मौजूद नहीं होता, तो ये दुरुस्त जवाब है, क्योंकि गैर सब्ज़ जो पौधे होते हैं वो सब्ज़ पौधों या मुर्दा पौधे जो होते हैं उनके बाकियात से खुराक हासिल करते हैं, तो क्लोरोफिल की मदद से पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो जब गैर सब्ज़ जो पौधे हैं उनमें जो है वो क्लोरोफिल मौजूद ही नहीं होगा, तो वो अपनी खुराक खुद कैसे तैयार करेंगे? इसलिए वो सब्ज़ पौधों या मुर्दा पौधों के बाकियात जो होते हैं उनसे अपनी खुराक तैयार करते हैं, हासिल करते हैं वहाँ से।
नेक्स्ट है हमारे पास खम्बी एक गैर सबस पौधा है, बिल्कुल दुरुस्त। सवाल नंबर 4 है हमारे पास खाली जगह पुर करें। नंबर 1 सबस पौधे अपनी डैश खुद बनाते हैं, जवाब खुराक। जो सबस पौधे होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल जो कि एक सबज़ रंग का मादा होता है और ये पौधों में मौजूद होता है, जिसकी हेल्प से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, लेकिन ये गैर सबज़ पौधों में मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए हवा, पानी और डैश की ज़रूरत होती है, जवाब है रोशनी। पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए हवा, पानी और रोशनी की ज़रूरत होती है, जैसे कि हर जानदार चीज़ को जो है ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि पौधे भी जानदार चीज़ें हैं, क्योंकि हर वो चीज़ जो खाती है, बढ़ती है, फलती फूलती है, नशोनुमा पाती है, वो जानदार होती है। तो पौधे चूँकि जानदार हैं तो इन्हें अपनी खुराक बनाने के लिए हवा, पानी और रोशनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पौधे जो हैं वो जब सांस लेते हैं, इंसान भी सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे सांस लेने के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने जिस्म के अंदर जज़ब करते हैं, अपने अंदर जज़ब करते हैं। तो इंसान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं तो वो हवा में मिक्स हो जाती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और इसके अलावा और बहुत सी गैसेस मौजूद होती हैं। तो पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल करते हैं, पानी भी जो है वो पौधे अपनी खुराक तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रोशनी, यहाँ पर रोशनी जो है वो सूरज की रोशनी की बात की जा रही है, ठीक है। तो पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए हवा, पानी और रोशनी की ज़रूरत होती है। नंबर 3 पर हमारे पास है क्लोरोफिल एक डैश रंग का मादा है, जवाब सबज़। क्लोरोफिल एक सबज़ रंग का मादा है। नेक्स्ट है हमारे पास खम्बी एक डैश पौधा है, जवाब गैर सबज़। खम्बी एक गैर सबज़ पौधा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 पौधे और उनके एग्जाम वाला जो चैप्टर है उसकी मश्क को मुकम्मल किया। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट के मश्की सवालात, इनके मुख्तसर सवालात पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।